गुज़श्ता 3 दिनों से बांसवाड़िया के बिगड़े सूरत हाल में आज सुकून और राहत देखने को मिली। आज बरो जुम्मा पुलिस की इजाफी चौकसी देखने को मिली। कहीं से भी किसी किस्म की कोई नई वारदात की खबर नहीं मिली। कुछ दुकानें भी खुली। मंदिरों और मस्जिद के सामने पुलिस की तादाद खासी देखी गई। वहीं पुलिस की सख्त गश्ती मुहिम भी देखी गई। बांसवाड़िया में 15 अगस्त से पहले जो सूरत हाल यहाँ कायम थे, उस सिलसिले में आज बर जुम्मा की तकरीर में इस्लाम पड़ा जिनादी मस्जिद के इमाम मतीउर रहमान और बांसवाड़िया जामा मस्जिद के इमाम नेमतुल्ला रिजवी ने अमन व आपसी भाईचारा कायम करने के लिए कहा। इस मामले में खसूसी तौर पर इलाके के दोनों कौम से गुजारिश किया कि पहले आप जिस तरह से रहते थे वैसे ही रहें, किसी के बहकामे में ना आए। साथ ही जो कुछ हुआ और जिसने भी बांसवाड़िया की फ़िज़ा को ख़राब की इसकी पुरजोर मजब्बत भी करते नजर। चलिए सुन लेते हैं तफसीलात से खुद उनकी जुबानी। उससे कबल इलाकाई लोग भी क्या चाहते हैं वो भी सुन लेते हैं। সমাধান হয়ে যায় সবাই মিলে, এটা যেন আমরা এক জায়গায় যেমন বসবাস করছি এক জায়গায় এটাই থাকা আমাদের মানে থাকা দরকার। ইমামু খতিব মোহাম্মদ মতিউর রহমান मिसबाही जिन्नाती मस्जिद इस्लाम पाड़ा थाना मगड़ा डिस्ट्रिक्ट हुगली शहर बांसवाड़िया एक बहुत बड़ा कस्बा है जहां मुस्लिम आबादियां रहती हैं, बेरा रांदे वतन भी रहते हैं मिलजुल कर। कुछ सरपसंद अनासिर ने यहां के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, नफ़रत भरी बातें की, नफ़रतों की आग भड़काई, नफ़रतों के शोले भड़काए और जिसने भी भड़काए मैं कहता हूँ अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं फरमाएगा। इसलिए कि यहाँ मुस्लिम आबादी के लोग और हिंदू आबादी के लोग आपस में मिलजुल कर जिंदगी की सांस ले रहे थे, एक साथ सबों का उठना बैठना हो रहा था, एक साथ मार्केट आना जाना हो रहा था, एक दूसरे की दुकानों में लोग आना जाना कर रहे थे, बेपनाह एक दूसरे से मोहब्बत थी। इस मोहब्बत को नफ़रतों में बदलने वाले कुछ लोग शहर बांसवाड़िया में बाहर से आए और आग लगाकर यहाँ से चल दिए, यहाँ के लोगों को नफ़रतों के डोर में बांध दिए। ऐसे लोगों के मुतालिक मैं ये कहना चाहूँगा कि बांसवाड़िया में एक चिंगारी नज़र आई थी उसे, बांसवाड़िया में एक चिंगारी नज़र आई थी उसे, वो अलग हट गई आंधी को इशारा करके, वो अलग हट गई आंधी को इशारा करके। 15 अगस्त को जश्न यौम आज़ादी की धूमधाम मुस्लिम आबादियों में भी थी और गैर मुस्लिम आबादियों में भी थी। तमाम लोग मिलजुल कर जश्न आज़ादी का एहतमाम व इंशराम कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे और उनकी खुशियों को कुचल दिया गया और जिन लोगों ने उनकी खुशियों को गम में तब्दील करने की कोशिश की है ऐसे लोगों की हम सख्त तरीके से मजम्मत करते हैं। वो ज़ात काबिले मजम्मत है जो ज़ात इस तरह की हरकत व शकनात करती हुई नजर आती है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला शहर बांसवाड़िया की धरती को तू अमन व शांति का गहवारा बना दे और यहाँ के तमाम ही लोगों को चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो सबों को मिलजुल कर मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक रफीक अता फरमा। आमीन बजाए सैयदुल मुरसलीन वस्सलामु अला मदीद तबल हुदा। शुक्रिया। नेमतुल्लाह रिज़वी खतीब इमाम जामे मस्जिद बांसवाड़िया। हमारे मुआशरे के बुजुर्गों दोस्तों नौजवानों माओ बहनों, मैं
अपने मुआशरे के साथ साथ बांसबरिया की सरजमीन में रहने वाले तमाम सोसाइटी, तमाम मुआशरे, तमाम अफराद सबों से मुखातब होकर के ये कहना चाहता हूँ कि हमारे इस शहर की अमन अमान को बिगाड़ने के लिए 15 अगस्त 2023 योम आज़ादी के तकरीब के दौरान जो गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई और किसी वजह से बच्चों की आपसी तकरार के बाद ये मामला काफ़ी हद तक संगीनी की तरफ बढ़ता चला गया, इस वाकई की जिस कदर भी मजम्मत की जाए वो बहुत कम है। और मैं पुरजोर तरीके से ऐसे ऐसे घिनौने वाकयात की मजम्मत करता हूँ और माशरे के हर जिम्मेदार शहरी से मेरी ये गुजारिश है कि इस तरीके से और गैर अनासिर सरपसंदों की सरकोबी के लिए हमें हमावत तैयार रहना चाहिए। इससे हमारे माशरे की हम आहंगी बिगड़ती हो, हमारे माशरे की हम आहंगी के अंदर खराबी पैदा होती हो, ऐसे अनासिर की सरकोबी के लिए हमें हर किसी को, हर जिम्मेदार को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या माशरे में सिख या ईसाई जो भी हो, हर जिम्मेदार को आगे आकर के ऐसे ऐसे अनासिर की सरकोबी की ज़रूरत है और उसे कैफर किरदार तक पहुँचाने की ज़रूरत है। बहरहाल जो कुछ भी 15 अगस्त को हुआ और उसके बाद फिर 16 अगस्त को जो कुछ भी हुआ, आपसी तनाव या पथराव या हमारे नौजवानों या बच्चों के बीच में जो आर्जी अख्तलाफात पैदा हो गए, मैं तमाम शहरियों से गुजारिश करता हूँ, अपने बिरादरान मिल्लत इस्लामिया से भी और बिरादरान वतन से भी, शहर के दिगर अफराद से भी मैं गुजारिश करता हूँ, खैर जो कुछ भी हुआ हुआ, जिस तरीके से हम लोग 15 अगस्त 2023 से पहले आपस में भाईचारगी के साथ, इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ, आपस में मेल मोहब्बत के साथ रहा करते थे, ऐसी ही मैं गुजारिश करूंगा हज़्ब साबिक इत्तेहाद और भाईचारा के साथ और अमन व शांति के साथ, इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके हम रहें, गरज के हम इस तरीके से रहें जैसे शीरो शकर आपस में मिल जाते हैं, इसी तरीके से हम सभी हजरात आपस में घुल मिल जाएँ ताकि हमारा मुआशरा मजबूत हो। जब मुआशरा मजबूत होगा तो इंशाअल्लाह हमारा मुल्क तरक्की करता नजर आएगा। हम सबों की यही ख्वाहिश है कि हमारा मुल्क तरक्की की शाहराहों पर पहुँचे और उसके लिए ज़रूरी है कि हम सब मुल्क के बाशिंदों को एकजुट होकर, एक होकर, मुत्तहिद होकर के हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व ताला हमारे इस शहर को अमन वाला शहर बनाए और तमाम तकरीबकारियों से हमारे शहर को, शहर के बाशिंदों को वापस मामूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।